तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पबजी या कोई दूसरी गेम्स, फ्री फायर, ये जो गेमें हैं, इनके एक एडिशनल एक फ़ाइल होती है जो हमारे फ़ोन स्टोरेज के अंदर सेव होती है। तो जब हम ज़िपिया वगैरह करते हैं तो हमें सिर्फ उनका जो एक ऐप होता है वो रिसीव होता है, उनकी फ़ाइल रिसीव नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा उसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो आप डाउनलोड ना करें, आप अपना डेटा बचाएं। एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह वो फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। एक मुकम्मल पबजी आप विदाउट डाउनलोड किए अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं, सब तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक मेन चीज़ है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह उसे अपने मोबाइल तरह उस फाइल को अपने मोबाइल में कहाँ रखना है, किस तरह रखना है, कैसे चलाना है, वो मैं आप सबको बता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जो दूसरा मोबाइल है जिसके अंदर पबजी इंस्टॉल है, आप वो मोबाइल लें। उसके ज़रिए जो 40 या 50 MB की जो पबजी का एक ऐप है, आप वो अपने मोबाइल में शेयर करें और उसे इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद एक बार आप उसे प्ले करें। प्ले करने के बाद आपको एक ऑप्शन ऊपर आएगा, री डाउनलोडिंग सोर्स। तो आप ऐसा करें, एक बार चलाने के बाद आप उसे एग्ज़िट कर दें, मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको एक फ़ाइल है जो इसकी जो फ़ाइल है वो आपको बताता हूँ कि कौन सी है। आप जाएँ, एंड्रॉयड का ऑप्शन होगा आपके मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड ये वाला, ये हो गया। नीचे एक फ़ाइल है OBB, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद नीचे लिखा हुआ है Tencent.IG, आप इस फोल्डर को ओपन कीजिए। ये है इसकी जो मेन फ़ाइल है। आप इसकी जो मेन फ़ाइल है वो ये है, 1.64 GB की। तो आप अपना ज़िपिया खोलें। आप मेरे पास ज़िपिया नहीं है, मैं ज़िपिया डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह उसे लेना है और अपने मोबाइल में रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, सब आपको बताता हूँ। तो ज़िपिया जो है डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ जाएँ फाइल्स में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में जाएँ, उस मोबाइल में जाना है जिसमें पबजी पहले से इंस्टॉल है। तो आप एंड्रॉयड का ऑप्शन जो है, फोल्डर है, फाइल है, आप उसे ओपन करें। उसे ओपन करने के बाद OBB फाइल है, ये वाली नीचे, मीडिया से नीचे वाली, उसे ओपन करें। और ये टेंसेंट वाले, ये मेन फाइल है, आप इसे शेयर कर लें। शेयर करने के बाद आप जाएंगे, जब आपके मोबाइल में आ जाएगी ये मुकम्मल तौर पर, तो आप जाएं अपने ज़िपिया में। ज़िपिया का जो आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर होगा ज़िपिया, आप वो फ़ाइल खोलें। फ़ाइल खोलने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे मेन, ये आप मेन लिखेंगे, वही फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। आप उसे कॉपी करें या मूव करें। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ एंड्रॉयड के ऑप्शन में जाएंगे, OBB में जाएंगे, और ये टेंशन में के फोल्डर में जाकर यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप अपनी पबजी चलाएं, उम्मीद है वो चल जाएगी। मैंने जो है वो अपडेट की है पबजी, अगर मैं इसे अनइंस्टॉल करूँ तो फिर मुझे रिसेंटली दोबारा वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मैंने पहले से ही वो सारे मैप्स वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू बनेगा। आपको अगर कोई भी मसला बनता है किसी चीज़ का भी इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दे दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो ना कीजिए, इतनी भी अच्छी नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर रहें, महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें, और दुआ करें कि अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचाए, इस वायरस से बचाए, हम तमाम मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।